तो दोस्तों डी बॉस यानी चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी क्रांति रिलीज के आज दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्रांति मूवी के दो दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। आपसे भी उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मूवी क्रांति कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज हुई थी, इसलिए कल इस मूवी के हर शो पूरी तरह से हाउसफुल देखने को मिले थे पूरे दिन में, लेकिन आज मूवी के कलेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलने लगा है। लेकिन दोस्तों भले आज थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलने लगे हो, लेकिन कल है सैटरडे यानी हाफ हॉलीडे, उसके बाद है संडे यानी पूरी तरह से हॉलीडे। आपको अंदाजा लग गया होगा मूवी कल और परसों पूरी तरह से हाउसफुल ओपनिंग लेगी और बिंदास रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करेगी। यहाँ पे इस मूवी के बजट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों क्रांति मूवी के बजट जो पहले बताया गया था वो गलत था। इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 30 करोड़ रुपए। इस मूवी के एक खासियत ये है दोस्तों, मूवी को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद की, जिसके चलते आगे चल के ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। ऐसे भी कल ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली है। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कल इस मूवी ने इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन किया था पूरे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ग्रोस कलेक्शन नेट कलेक्शन नहीं बल्कि इंडिया पे जो ग्रोस कलेक्शन किया था पूरे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे दिन यानी आज की कमाई की, जैसे कि मैंने बताया है आज थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलने लगे हैं। आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पे 50% ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिले हैं, जो कि जानकारी के अनुसार आज क्रांति मूवी इंडिया पे जो ग्रोस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 8 करोड़ रुपए। और इन दो दिनों में टोटल जो कलेक्शन करने लगे हैं इंडिया के बाहर से क्रांति मूवी जो कलेक्शन हुई है पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो अगर इसी के साथ क्रांति मूवी के दो दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ा जाए तो दोस्तों डी बॉस यानी चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी क्रांति के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 27 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है क्रांति मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन जो की हुई है वो लगभग 27 करोड़ रुपए। आपके जानकारी के लिए बता दे इस मूवी के थिएटरिकल राइट्स लगभग 27 या 28 करोड़ रुपए में ही बिके होंगे। तो जाहिर सी बात है मूवी ने सिर्फ दो दिनों में ही सुपर हिट वाला बाडेट अपने नाम कर ली है और आगे चल के और भी कलेक्शन होना बाकी है, तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने में तो कोई नहीं रोक सकता। आपसे उम्मीद है आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, अपडेट को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय दोस्तों।